बख्तरबंद था, हाथ में तलवार जो अभी तक म्यान में थी, और उसके आसपास चारों ओर उसके सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने हाथों में तलवारें और भाले लिए हुए थे। नादिर शाह लाल किले से आगे की ओर बढ़ा चांदनी चौक, और चांदनी चौक उस समय के चांदनी चौक बाजार के ठीक मध्य में जो पुलिस थाना था उसके सामने एक मस्जिद थी जो आज भी है, जिसको रोशन उद्दौला मस्जिद कहा जाता है, जिसके ऊपर के गुंबद सोने से बने हुए थे, गोल्डन मॉस्क्यू कहा जाता है इसको। नादिर शाह उस मस्जिद की ओर बढ़ा, वहां पहुंचकर उसने अपनी तलवार निकाली और तलवार को चमकाया, मतलब अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि अब कोई नियम कोई कायदा कानून कुछ नहीं है, दिल्ली की सड़कों पर जाओ, लोगों के घरों में जाओ, जो जहां भी दिखे जैसे भी दिखे लूटपाट करो और उनको मारो। सुबह 9 बजे यह आदेश हुआ था ईरान के लुटेरे नादिर शाह की ओर से, और सुबह 9 बजे से लेकर और दोपहर के 2 बजे तक मात्र इन 5 घंटों में उस दैत्य की सेना ने दिल्ली में लगभग 1,00,000 लोगों को मार दिया। दिल्ली की सड़कें लाशों से पटी हुई थी, चारों तरफ लाशें लाशें थी, औरतों को गुलाम बना लिया गया था, उनकी इज्जत को लूटा गया था, यहां तक कि दिल्ली के जो लोग थे उन्होंने स्वयं अपने घर की बहू बेटियों को मौत के घाट उतारा ताकि इन दैत्यों के हाथों में ना पड़े। बहुत सारी औरतों ने कुएं में कूदकर अपनी जान बचाई थी। जो नालियां थी दिल्ली की वहां पर रक्त उफान उफान कर बह रहा था। उस समय का एक व्यक्ति जो स्वयं वहां मौजूद था जब यह कत्लेआम दिल्ली हुआ, जिसका नाम था आनंद राम, उसके द्वारा लिखा गया है कि भले जामा मस्जिद के आसपास का एरिया या दरीबा बाजार या चांदनी चौक का एरिया या फ्रूट मार्केट फलों का बाजार, सब कुछ तबाह, सब कुछ तहस नहस कर दिया। उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था और ये सब क्यों हुआ था, इसका रीजन क्या था, इस पर मैं बात करूंगा। ईरान का वो लुटेरा नादिर शाह जो करनाल के मैदान से ही वापस ईरान की ओर लौट जाता, मुगलों की आपसी ईर्ष्या ने उसको दिल्ली में आमंत्रित कर लिया कि आओ हमको लूटो। पहले उसने दिल्ली को लूटा, उसके बाद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के आदेश पर, हालांकि जब नादिर शाह दिल्ली में 2 महीने के लिए रहा तो वही बादशाह था, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के आदेश पर मुगल अधिकारियों ने खुद अपनी जनता को लूटा ताकि उस नादिर शाह की जो पैसे की भूख है उस भूख को शांत किया जा सके और उसकी तलवार की बिजली से दिल्ली की जनता को बचाया जा सके। मैं संपूर्ण विषय पर बात करूंगा। इस वीडियो के लिए जो सोर्स है वो है लेटर मुगल्स, विलियम इरविन के द्वारा जो लिखा गया। मैं रमन भारद्वाज, आइए विषय को आगे बढ़ाते हुए नादिर शाह का परिचय ले लेते हैं और यह भी बात कर लेते हैं कि आखिर उस समय में क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि और नादिर शाह के लिए भारत पर हमला करना और दिल्ली से मुगलों की उस अकूत संपदा को लूटना उस समय इतना आसान कैसे हो गया, दिल्ली इतनी कमजोर हो गई, उसकी मैं बात करूंगा। अभी एक एक करके प्रमाण रखूंगा। नादिर शाह जो ईरान का शासक था सन 1736 से 1747 ईस्वी तक वहां के अफशरीद साम्राज्य का संस्थापक था। 1736 में ये वहां का शाह बना था और इस समय भारत में मुगल साम्राज्य पतन की ओर, मुगलों की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। सन 1707 ईस्वी में जब मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उसके बाद से कुछ ही वर्षों में दिल्ली ने 6 मुगल शासक देखे। मुगल शासक औरंगजेब के समय मुगलों की सत्ता ठीक थी, प्रभाव था और बहुत बड़ा साम्राज्य उनके पास था। दक्षिण से हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों के द्वारा मुगलों को चुनौती दी जा रही थी। यह विषय नहीं है। 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम शासक बना। मतलब कैसे 6 मुगल बादशाह एक करके बदले बहादुर शाह प्रथम मात्र 5 वर्षों की 1707 से और 12 तक। उसके बाद जहांदर शाह, फिर फर्रुख शियर, फिर रफीउद्दरजात, फिर रफीउद्दौला और फिर मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जो सन 1719 में मुगल शासक बने थे 1748 ईस्वी तक मुगल शासक रहे थे। इनके चारित्रिक और नैतिक अवगुणों की वजह से आसपास के और जो दूसरे शासक थे और ईरान का जो शासक था नादिर शाह, इनको बहुत अच्छा अवसर मिला कि दिल्ली को पकड़ लिया जाए, दिल्ली को आसानी से लूट लिया जाए। मोहम्मद शाह रंगीला के चरित्र के बारे में तो मैं पहले बता चुका कि ये दरबार में कई बार नंगे आ जाया करते थे और खुद दरबारियों को भी नंगा होने के लिए कहते थे, मैं भी नंगा तुम भी नंगे हो जाओ। ये मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूं कि इस समय दिल्ली साम्राज्य की ये स्थिति हो गई थी कि सन 1737 ईस्वी में पेशवा बाजीराव के नेतृत्व में मराठा सैनिकों ने 3 दिन तक दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया था और मोहम्मद शाह रंगीला ने 3 दिन तक अपने आप को दिल्ली में लाल किले के अंदर कैद कर लिया था। बाद में तो सन 1738 ईस्वी की जनवरी में कैसे मुगल प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ाई गई थी तो मैं बता चुका आपको,
इस समय मराठों की ओर से पेशवा बाजीराव और मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला की ओर से निजाम उल मुल्क के मध्य एक संधि हुई थी, जिसको दोराहा की संधि कहा गया, जनवरी सन 1738 ईस्वी, जिसमें मराठों ने 50 लाख रुपए लिए थे और चंबल नदी के नीचे का जो एरिया है, चंबल नदी से नर्मदा के बीच का, ये मराठों के पास में चला गया था। तो ये सारी खबरें नादिर शाह तक पहुंची रही थी कि दिल्ली तक मराठे आ गए और मुगल शासक 3 दिन तक अपने किले में कैद रहे मराठों के डर से। नादिर शाह के लिए बहुत अच्छा अवसर था और नादिर शाह ने नवंबर 1738 ईस्वी में ईरान से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। पहले वो पहुंचा काबुल और काबुल पहुंचकर उसने वहां से एक लेटर भी लिखा मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि दिल्ली पर आक्रमण करने का, मुगल साम्राज्य पर हमला करने का एक कारण तो चाहिए था। और कारण ये था नादिर शाह के अनुसार कि मेरे जो यहाँ के बागी हैं, जो विद्रोही हैं, वो मुगल साम्राज्य में आ जाते हैं और मुगल बादशाह के द्वारा उनको मेरे अपने यहाँ पर शरण दी जाती है, इसीलिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं मुगल साम्राज्य में घुसूं और उन पर हमला करूं। ये कारण बताते हुए नादिर शाह के द्वारा मुगल साम्राज्य में घुसा पहले काबुल आया, काबुल के बाद वो आया पेशावर। पेशावर का उस समय जो मुगल सूबेदार था वो था नासिर खान। नासिर खान पेशावर में रहता था। नासिर खान ने बहुत प्रयास किए कि जो खैबर दर्रा है वहां उस पास को रोक दिया जाए, अपने 12,000 सैनिकों के साथ में वो खड़ा रहा, लेकिन नादिर शाह ने उसको आसानी से पराजित कर दिया। पेशावर के बाद नादिर शाह आगे की ओर बढ़ा लाहौर। लाहौर का जो मुगल सूबेदार था वो था जकारिया खान, और जकारिया खान ने यहाँ पर अपने दुर्ग की चाबियां ही नादिर शाह को सौंप दी, 20 लाख रुपए देने का ऑफर दिया, और इस सब की वजह से लाहौर को उस समय लूटपाट से बचा लिया। नादिर शाह आगे की ओर, नादिर शाह जैसे 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 आगे की ओर बढ़ रहा था, दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीला के पास में निरंतर ये खबरें पहुंच रही थी कि नादिर शाह काबुल आ गया, काबुल से पेशावर आ गया, पेशावर से लाहौर पहुंच चुका है, और मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा यही कहा जाता था दिल्ली अभी आने दो, दिल्ली अभी दूर है, आने दो दिल्ली अभी दूर। होते होते जब नादिर शाह आगे की ओर बढ़ने लगा तो मोहम्मद शाह रंगीला के भी अफगान और चिंता हुई, तो एक सेना भेजी गई करनाल। करनाल जो वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में आता है, एक ऐतिहासिक स्थान पानीपत से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर, वही पानीपत जहां पर समय समय पर भारत का भविष्य तय किया, वही पानीपत का स्थान जिसने भारत का इतिहास लिखा और भारत का इतिहास बदला, उसी पानीपत के मैदान से 35 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान आता करनाल। और इसी करनाल स्थान पर मुगल सेना और नादिर शाह की सेना के मध्य में फरवरी सन 1739 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में नादिर शाह की जीत। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नादिर शाह ने निजाम उल मुल्क को एक बात ये कही थी, जब निजाम उल मुल्क हारने के बाद मुगलों की ओर से नादिर शाह के कैंप में गए संधिया समझौता करने, तो नादिर शाह ने कहा कि तुम्हारा जो कमांडर है उसका नाम था खाने दौरान, खाने दौरान को मरना तो आता है लेकिन लड़ना नहीं, तुम्हारी सेना में ज्यादातर बोझ ढोने वाले लोग जो सामान लेकर, इसका मतलब योद्धा कम। तो नादिर शाह ने मुगल सेना को पराजित कर दिया, मुगलों की ओर से निजामुल मुल्क नादिर शाह के कैंप में गए वहां संधि समझौता करने के लिए, और नादिर शाह को ये कहा कि आप यहीं से इसी स्थान से वापस लौट जाओ, हम इसकी एवज में आपको 50 लाख रुपए दे देंगे। नादिर शाह के लिए रकम बहुत बड़ी थी, 50 लाख रुपए उस समय 50 लाख रुपए। नादिर शाह एग्री हो गया, ठीक है मैं यहां से वापस लौट जाऊंगा, 50 लाख रुपए मुझे दे दीजिए। सारी शर्तें तय हो गई कि 20 लाख रुपए यहीं पर नकद दिए जाएंगे, बाकी के जो 30 लाख रुपए बचेंगे वो 10-10 लाख की 3 किश्तों में दिए जाएंगे, 10 लाख लाहौर पहुंचने पर, 10 लाख पेशावर पहुंचने पर, और शेष जो 10 लाख बचेंगे वो काबुल पहुंचने पर दे दिए जाएंगे। नादिर शाह भी खुश था, और नादिर शाह ने फिर रात को अपने साथ में भोजन करने के लिए मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को अपने कैंप में आमंत्रित किया कि बुलाओ तुम्हारे बादशाह को, साथ में भोजन करेंगे। रात को जो मीटिंग हुई बहुत अच्छी मीटिंग हुई, और इसकी वजह से ये जो समझौता हुआ इसकी वजह से निजाम उल मुल्क का कद बढ़ गया। मोहम्मद शाह रंगीला बड़ा प्रसन्न था निजाम उल मुल्क पर, लेकिन अब मुगलों की, मुगल अधिकारियों की आपसी फूट, आपसी ईर्ष्या की वजह से नादिर शाह को यह अवसर मिला कि वो वापस ईरान जाने की बजाय अब दिल्ली की ओर, और दिल्ली में 11 मार्च 1739 ईस्वी को दिल्ली के दुर्भाग्य का वो दिन था। मुगल सेना में अब एक अधिकारी था जो अवध का नवाब था, जिनका नाम था सादत खान। सादत खान और निजाम उल मुल्क के बीच में आपस में ईर्ष्या थी, दोनों मीर बख्शी का पद चाहते थे, दोनों ये चाहते थे मेरा कद बढ़े दूसरे का पद घटे। सादत खान को ये बात पसंद नहीं आई, और सादत खान जो है ये नादिर शाह के कैंप में चले।
और ये कहा बस आप इतनी सी रकम संभालो 50 लाख रुपए दिल्ली जाओ, दिल्ली में बहुत सारा पैसा है, वहां चलने पर आपको 20 करोड़ रुपया मिलेगा, उस समय बहुत बड़ी रकम होगी। और आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि नादिर शाह जब वहां से लेके निकला था पैसा दिल्ली से, जिसकी मैं अभी सारे एक एक फिगर्स दूंगा, वो रकम आज के वर्तमान के 10 लाख करोड़ रुपए के बराबर है जो उस समय नादिर शाह लेके गया। मैं बताऊंगा एक एक फिगर आपको बताऊंगा। तो सादत खान ने, अवध के नवाब सादत खान ने, जो इस समय मुगलों की ओर से मिलिट्री के उनके कमांडर थे, आपसी ईर्ष्या की वजह से नादिर शाह के कैप में गए। हालांकि सादत खान को पहले बंदी बनाया जा चुका था, थोड़ा समझ लेना, जब ये युद्ध हो रहा था तो सादत खान का जो हाथी था वो पगला गया था, पागल हो गया और आगे बढ़कर ईरान के उन पारशिया के कैंप में चला गया जहां से उसको बंदी बना लिया गया, नीचे उतार लिया गया और नादिर शाह के सामने उसको प्रस्तुत किया गया। लेकिन नादिर शाह ने उसको मारा नहीं, उसको छोड़ दिया था। उसी सादत खान ने कहा कि आप दिल्ली चलो, दिल्ली में आपको बहुत सारा 20 करोड़ की रकम मिलेगी, बहुत सारा पैसा, आप दिल्ली चलोगे तो मैं भी आपको पैसा दूंगा। ऐसा क्यों किया? केवल एक ईर्ष्या की वजह से नादिर शाह को आमंत्रित कर दिया, उसका एक दूसरा कारण और था और उस कारण की जानकारी हमको पेशवा बाजीराव के एक पत्र से बहुत अच्छे से समझना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको चर्चा की, आपके साथ में चर्चा की कि पेशवा बाजीराव ने अपने भाई चिम्माजी अप्पा को एक पत्र लिखा था, उसमें इस प्रकार की बातें थी कि सादत खां के द्वारा मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला और जो अन्य अमीर हैं उन अमीरों को एक झूठा पत्र लिखा गया है, जैसा पेशवा बाजीराव लिखते हैं कि सादत खां के द्वारा मोहम्मद शाह रंगीला और मुगल अमीरों को एक झूठा पत्र लिखा गया और यह कहा गया है कि मैंने मराठों को खदेड़ दिया है और आप निश्चिंत रहें मैं चंबल के उस पार तक मराठों को खदेड़ कराऊंगा। और फिर पेशवा बाजीराव ये लिखते हैं अपने भाई चिम्माजी अप्पा कि मुगलों को बताना है जरूरी है कि मराठा यहां से कहीं नहीं भागे हैं और मैं दिल्ली जाकर दिल्ली को तहस नहस कर दूंगा। पेशवा बाजीराव तो जब वहां पर मराठे दिल्ली में पहुंचे और मुगल शासक को मोहम्मद शाह रंगीला को 3 दिन तक दिल्ली में कैद रहना पड़ा था मराठों के डर से, तो सादत खान मुगल शासक मुगल बादशाह की नजर में झूठे साबित और सादत खान को दिल्ली में पहुंचने पर बहुत जलील किया गया। तो ये बात भी सादत खान के मन में कहीं ना कहीं इस बात की टीस थी कि अवसर मिलने पर मुझे इस बात का बदला लेना है, लेकिन शायद उसने भी नहीं सोचा होगा कि इसके परिणाम बहुत गंभीर होने वाले हैं। खैर, नादिर शाह को आमंत्रित कर लिया, नादिर शाह को पैसे का सपना दिखाया, बहुत सारे पैसे का, और साथ ही साथ ये भी कहा कि मुगल शासक के पास और भी बहुत सारे अमीर हैं, और भी बहुत सारे मतलब सरदार हैं और वो निरंतर आपके विरुद्ध षड्यंत्र में लगे रहते हैं। बस नादिर शाह को एक बात जच गई और नादिर शाह ने वो संधि या समझौता जो 50 लाख रुपए में तय हुआ था कि मैं वापस ईरान की ओर चला जाऊंगा, इसको रद्द कर दिया, मुगल शासक को अपने कैंप में बुलाया मोहम्मद शाह रंगीला को और वहां पर उसको बंदी बना लिया। अब क्या था, अब एक ही अवसर था कि नादिर शाह को अपने साथ में दिल्ली की तरफ लेकर चलो और नादिर शाह अब तुम्हारा भविष्य तय करेगा। अब आ जाते हैं दिल्ली की ओर और दिल्ली में एक स्थान है शालीमार गार्डन। बात है 7 मार्च 1739 ईस्वी, जब भारत में सर्दियां जा रही होती हैं और धीरे धीरे गर्मियां आ रही होती हैं, मतलब एक अच्छा वातावरण होता है। लेकिन इस अच्छे वातावरण में ही दिल्ली का जो वातावरण था वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। 7 मार्च 1739 ईस्वी को नादिर शाह और मुगलों की सेना, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी बनाया हुआ था, ये शालीमार गार्डन पहुंचे वर्तमान जो दिल्ली। यहां पर नादिर शाह रुका और उसने मोहम्मद शाह रंगीला को पहले आगे चलने के लिए कहा कि तुम जाओ लाल किले में जाओ और लाल किले में पहुंचकर मेरे सम्मान मेरे स्वागत की तैयारी करो। मोहम्मद शाह रंगीला आगे की ओर गया और वहां पर नादिर शाह के सम्मान और स्वागत की तैयारी की 8 मार्च को। 9 मार्च को जब शालीमार गार्डन से और दिल्ली के लाल किले तक नादिर शाह गया तो देखो किस प्रकार से उसका भव्य स्वागत किया गया था। शालीमार गार्डन से और लाल किले तक एक कारपेट बिछाया गया जिसमें सोने का काम किया होता, गोल्डन। दोनों ओर लाइनों में पारशिया के सैनिक, ईरान पारशिया कहो या ईरान कहो, पारशिया कहा जाता था उस समय, तो पारशिया के जो सैनिक थे मतलब नादिर शाह के जो सैनिक थे वो रोड के दोनों तरफ शालीमार गार्डन से और लाल किले तक खड़े, ताकि अगर कहीं दिल्ली की जनता बगावत कर दे तो उनसे आसानी से निकल जाए। नादिर शाह चल रहा है अपने सैनिकों के बीच में, सोने के कारपेट पर चल रहा है, वहां पहुंचा 9 मार्च 1739। अगले दिन 10 मार्च 1739 दिल्ली
की जामा मस्जिद वहां के मौलवी के द्वारा औपचारिक रूप से घोषणा हुई कि अब दिल्ली का जो अगला बादशाह है वो नादिर शाह। मोहम्मद शाह रंगीला को गद्दी से हटा दिया गया था, वैसे भी गद्दी से हटा दिया, मोहम्मद शाह रंगीला को तो कैद किया जा चुका था, एक प्रकार से नजरबंद थे मोहम्मद शाह रंगीला। तो वहां से घोषणा हुई दिल्ली की जामा मस्जिद से कि अब दिल्ली का बादशाह नादिर शाह, और नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा। दोपहर में नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला के कैंप में पहुंचा। इसे एक दिन पहले ध्यान रखना कि जब नादिर शाह लाल किले में गया था तो वहां पर नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला के हरम में रुका और मोहम्मद शाह रंगीला कहीं और रुका, तो अब मोहम्मद शाह रंगीला का हरम भी नादिर शाह का हो गया। नादिर शाह को दिल्ली का बादशाह बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, नादिर शाह का असली मकसद था दिल्ली से पैसा खींचना, यहां से जितना हो सके उतना पैसा लूटना। तो बात आई पैसे, और 10 मार्च को मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के मध्य इसी प्रकार की बात। शाम होते होते जब शाम के 4 बज रहे थे उस समय दिल्ली में एक अफवाह फैली, और अफवाह यह थी कि मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा नादिर शाह को मौत के घाट उतरवा दिया। और यह अफवाह जब दिल्ली की सड़कों पर फैली तो दिल्ली की आम जनता इससे खुश हुई, और दिल्ली की सड़कों पर जो नादिर शाह के सैनिक थे जिसमें तुर्क थे, कुर्द थे और मंगोल थे, उनको पकड़ पकड़ कर मौत के घाट उतारा। कुछ सोर्स ये कहते हैं कि नादिर शाह के 7,000 सैनिकों को मार दिया गया, कुछ सोर्स ये कहते हैं कि नादिर शाह के 3,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। जब ये इस प्रकार की खबरें छन छन कर नादिर शाह के पास में पहुंच रही थी तो नादिर शाह को आरंभिक तौर पर इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसको ये लगा कि शायद मेरे सैनिकों के द्वारा इस प्रकार की बातों का इसलिए प्रचार करवाया जा रहा होगा कि मैं उनको ये आदेश दे दूं कि दिल्ली की जनता को लूट लो और मार दो। तो नादिर शाह के द्वारा 2 बार अपने अधिकारियों को भेजा गया इस बात की, इस खबर की, अफवाह की पुष्टि के लिए, और दोनों बार ये बात सत्य प्रतीत हुई कि हां दिल्ली की जनता के द्वारा विद्रोह कर दिया गया है और उनके सैनिकों को मारा जा रहा है। तो नादिर शाह ने अपने बंदूकधारियों को यह आदेश दिया कि दिल्ली की जनता को तितर बितर करो, लेकिन अब बात उनके हाथ से निकल चुकी थी। तो दूसरा आदेश यह दिया कि तुम जाकर अपनी चेक पोस्ट पर बैठे रहो, जब तक कोई तुम पर हमला ना करे तुम बाहर ही मत निकलो और सुबह होने का इंतजार। तो फाइनली अब दिन आया 11 मार्च 1739। सुबह नादिर शाह लाल किले से निकले, घोड़े पर बैठा हुआ, बख्तरबंद कपड़े पहने, उसके चारों ओर उसके सैन्य अधिकारी जिन्होंने हथियार लिए। नादिर शाह का रुख था आगे चांदनी चौक, चांदनी चौक के मध्य में एक मस्जिद जिसकी चर्चा मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में की, रोशनउद्दौला मस्जिद जिसको गोल्डन मॉस्क्यू कहा जाता है, उसका ऊपर का गुंबद सोने का बना हुआ। वहां पहुंचकर नादिर शाह ने सुबह 9 बजे अपनी तलवार निकाली, सूरज की रोशनी में तलवार को चमकाया, जिसका मतलब यह था कि जाओ और मार काटो। और उसके सैनिक वहशी दरिंदों की तरह दिल्ली की जनता पर टूट पड़े। और आगे क्या हुआ ये सारा मैंने आपको बता दिया वीडियो के इंट्रोडक्शन, कि कैसे औरतों की इज्जत लूटी गई, औरतों को स्वयं दिल्ली के जो लोग थे उन्होंने स्वयं अपने घर की बेटियों को, बहुओं को मौत के घाट उतारा, अपनी पत्नियों को मौत के घाट उतारा ताकि उन वैसी दरिंदों से बचाया जा सके। हजारों औरतों ने कुओं में कूद कर या अपने आप को स्वयं कत्ल करके अपनी इज्जत के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। और तो और नादिर शाह के द्वारा हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी जलाया गया, दफनाया नहीं, हिंदुओं को जलाया गया जिंदा, मुसलमानों को जलाया गया, और दिल्ली की सड़कों को लाशों से पाट दिया गया था। बाद में दिल्ली के कोतवाल ने नादिर शाह से यह आज्ञा ली, इसकी मैं थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा। जब ये इस प्रकार का ये पूरा कत्लेआम चल रहा था दिल्ली की सड़कों पर लाश ही लाश पड़ी, रक्त ही रक्त बहा। ये खबरें जब मोहम्मद शाह रंगीला के पास में पहुंचे तो मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने निजाम और वजीर को नादिर शाह के पास में भेजा रोशनउद्दौला में। वहां गए नंगे सिरों और रहम की भीख, और नादिर शाह ने वापस अपनी तलवार को फिर से नया लिया। कुछ सोर्स ये कहते हैं कि एक काजी गए, उन काजी ने कहा कि दिल्ली में अब कोई जिंदा नहीं बचा है, अगर दिल्ली के लोगों को मारना है तो तू एक काम कर सकता है कि इन मुर्दों में फिर से जान डाल दे और इनका फिर से कत्ल कर दे। नादिर शाह को दया आ गई, और वैसे भी दया की बात नहीं है, नादिर शाह का असली उद्देश्य पैसा लेना था, दिल्ली पर राज करना नहीं था। नादिर शाह ने अपनी तलवार फिर से मयान में डाल ली, और तलवार मयान में डालने के बाद दिल्ली में ये जो कत्ले आम हुआ, जो सुबह 9 बजे आरंभ हुआ था 2 बजे तक चलता रहा 5 घंटों में,
जिसमें 1,00,000 के लगभग लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, तब यह कत्लेआम बंद हुआ। तो अब बात आई नेगोशिएशन पे कि कत्लेआम बंद कर दूंगा, क्या दोगे मेरे को? और पैसा मिला नादिर शाह को, वो पैसा जिसकी आज की कीमत है 10,00,000 करोड़ रुपया। सोर्सेज ये कहते हैं कि नादिर शाह ने 30 करोड़ तो नकद यानी कैश और सोने चांदी के जो बर्तन थे ये 30 करोड़ मूल्य के थे, ये लिए। 25 करोड़ की ज्वेलरी ली। इसके अतिरिक्त 300 हाथी थे, 10,000 घोड़े थे, 10,000 ऊंट थे। इसके अतिरिक्त और भी फर्नीचर वगैरह या तोपे बंदूकें जितना, ये सारा सब इनकी अगर हम टोटलिंग करें तो इसकी उस समय कीमत आती थी 70 करोड़ रुपया। अब आप सोचो, वो नादिर शाह जो करनाल के मैदान से 50,00,000 रुपए में वापस ईरान लौटने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन मुगल अधिकारियों की आपसी ईर्ष्या की वजह से सादत खां के द्वारा उस नादिर शाह को करनाल से दिल्ली में आमंत्रित कर लिया गया और 50,00,000 की बजाय 70 करोड़ प्लस 1,00,000 या 1,00,000 से अधिक लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए, इतना पैसा लिया। नादिर शाह केवल इससे संतुष्ट नहीं था, हालांकि दिल्ली की औरतों को भी इस समय बंदी बनाया जा चुका था गुलाम के तौर पर, पैसा भी ले लिया 70 करोड़ रुपया, जिसमें तख्त एताउस भी था जिसकी उस समय कीमत थी 2 करोड़। इसके अतिरिक्त कोहिनूर हीरा भी था जो अब नादिर शाह के पास में आ चुका था। लेकिन मात्र इतने से संतुष्ट नहीं था, अभी नादिर शाह को और पैसा चाहिए था। और ये और पैसा कहां से आए? और पैसा दिल्ली में जो वहां के अमीर हैं या वहां की जनता है, जिन्होंने अपने घर में, बरामदे में, फर्श के नीचे, जहां तहां घर में पैसा छुपा रखा था, वो सारा नादिर शाह को चाहिए था। तो अब इस डर से कि नादिर शाह फिर से कत्लेआम ना करे, मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने अमीरों को यह आदेश दिया, दिल्ली को 5 भागों में बांटा और अलग अलग सेक्शन में अलग अलग अधिकारियों को भेजा गया, वजीर को, निजाम को, सरबुलंद खान को, मुर्तजा खान को, और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम